हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गंगा सागर की यात्रा पर ले जा रही हूँ। तो गंगा सागर गंगा मैया को मुख से निकलकर आप हजारों किलोमीटर की यात्रा बहुत सी शहरों को पवित्र करते हुए बहती है और विभिन्न स्थानों पर पवित्र तीर्थ का निर्माण करती है। तो ये है वेसल और इसी पार गंगा सागर को पार करने में लगभग 45 मिनट लगता है। और यहाँ पक्षियों का इस तरह से उड़ना और देख इतना खूबसूरत नज़ारा देखना भी एक सौभाग्य की बात है। और वहाँ से लॉट नंबर 8 पे गाड़ी को जमा करने के बाद हम लोग गंगा सागर की यात्रा पर निकले। और उसके बाद कचुवेड़िया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा सागर के पवित्र स्थल पर हम लोग पहुँच जाते हैं। और यह देखिए शाम का वक्त है, इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो माँ गंगा सभी स्थानों में पूजी जाती है और इन्हीं में से एक है गंगा सागर। गंगा सागर, गंगा और सागर, इन्हीं दो सागर के संगम स्थल को कहा जाता है। यह गंगा मैया का भारत में अंतिम तीर्थ स्थल है। इसके पश्चात गंगा मैया सागर में विलीन हो जाती है। ये देखिए बीच का खूबसूरत नज़ारा, वो भी शाम के वक्त कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए आप भी हमारे साथ गंगा मैया के अंतिम तीर्थ स्थान गंगा सागर का दर्शन करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु गोदान भी करते हैं जो कि एक पुण्य प्राप्ति का साधन है। हमारे यहाँ तीर्थ स्थान का बहुत महत्व है। में गंगा सागर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा सागर साल में एक ही बार खुलता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि इस दिन गंगा जी भगवान शिव जी की जटाओं से निकलकर महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में आई थी। यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। ये है महर्षि कपिल मुनि का मंदिर। यहाँ पे सभी शुभ कर्मों का अलग ही महत्व है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों की गंगा मैया मनोकामना पूर्ण करती है, उनके पापों से मुक्त करती है। ये देखिए मंदिर के सामने की पूजा स्थल। और ये है महर्षि कपिल मुनि। और शास्त्र के अनुसार जब जब धरती पर पाप पड़ता है तो भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। ये देखिए कपिल मुनि के अगल बगल में विभिन्न देवी देवताओं के भी मूर्ति देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए भगवान विष्णु श्री कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया और पाप नाशनी गंगा को इस धरा पर लेकर आए। इसलिए कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये है तो ये है मंदिर का कुछ झांकियाँ और कितनी मनोरम लगती है कि लगता है कि यहाँ आकर यहीं के हो जाए। और ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति इनकी जटाओं से गंगा अवतरित हो रही है। इनकी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये देखिए वहाँ का बाजार हाट जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है शाम के वक्त या सुबह के वक्त। आप एक बार वहाँ जरूर जाएं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वंदन तुझला है गणनायक, वंदन तुझला है गणनायक।